यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही मिर्जापुर के बरकच्छा कलां इलाके में देर रविवार शाम आई तेज रफ्तार आंधी और बारिश में लगभग दर्जनों पेड़ गिर गए। इस दौरान एक पेड़ गिरने से एक लड़की मामूली रूप से घायल होने की जानकारी है। पॉलिटेक्निक कैंपस में भी कई पेड़ गिर गए हैं और आंधी पानी में लगभग बिजली के कई खंभे जो है टूटकर गिर गए, जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। आंधी तूफान की वजह से गिरे पेड़ों की वजह से कुछ देर के लिए मिर्जापुर सोनभद्र मार्ग पर आवागमन बाधित रहा, लेकिन ग्रामीणों ने गिरे हुए पेड़ों को रोड से हटाकर आवागमन को चालू करवाया। बहुत तेज आंधी आई और बारिश भी बहुत तेज थी, जिसके कारण पॉलिटेक्निक में बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं। देखिए आपके सामने ये है जो गिर चुका है, और ऐसे ही चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो टूट के गिर चुके हैं। बहुत तेज हवा था, हवा के साथ बारिश भी इतनी काफ़ी थी कि इसे बहुत मतलब क्षति पहुंच गई है। पेड़ पौधे सारे बहुत से नुकसान हो गए हैं।